हेलो, नमस्कार। आप सबका स्वागत है। नमस्कार अजीत जी। यह सबसे पहले जो है मेरे हर स्ट्रीम में पहुंचे होते हैं अजीत जी। तो आज जो है हम एक सावरकर मूवी की बात करेंगे। मैंने लिंक शेयर किया है, थोड़ी देर में ही ज्वाइन करें जो भी। वैसे तो इतने लोग आते भी नहीं है मेरे चैनल पे, तो जिसको भी अपना रिव्यू शेयर करना है वो थोड़ी देर में आ जाए। तो सबसे पहले जो है हम बात मूवी रिव्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा मैसेज देना चाहती हूँ, क्योंकि अक्सर जो लेफ्टिस्ट है ना, वो आकर नीचे प्रोपगंडा 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 ये वाली बातें जो है वो शुरू कर देते हैं करना। और ये जो मैसेज है ये मैं नहीं दे रही हूँ, ये उत्पल दत्त। उत्पल दत्त आपको अगर सबको पता ही होगा, स्पेसिफिकली जो बंगाल से हैं उनको सबको पता होगा कि वो नोन एक्टर थे जिन्होंने गोलमाल, जो ओल्ड वर्जन है गोलमाल, और भी बहुत सारी पिक्चर्स जो है उन्होंने की थी। मतलब बहुत बड़े एक्टर थे और नॉन लेफ्टिस्ट थे। तो ये एक पुरानी पूरी डॉक्यूमेंट्री है जो मैं एक दो दिन पहले मुझे मिली, बाय डिफॉल्ट मिल गई। तो उसमें ये क्या कह रहे हैं कि मूवीज का मतलब क्या है लेफ्टिस्ट के लिए, या मार्क्सिस्ट का जो है वो क्या इस पे व्यू है, वो बता रहे हैं। उसको सुनिए। मतलब आकर नॉन लेफ्ट को जो लोग प्रोपगंडा, किसी भी मूवी को किसी भी वीडियो को प्रोपगंडा कर कहने से पहले सुन लीजिए कि जो मार्क्सिस्ट है, नॉन मार्क्सिस्ट, ध्रुवराठी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे ऐसे व्यक्ति की बात हो रही है जिन्होंने लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो मूवीज को क्या कहते हैं। वो ओपनली कहते हैं कि मूवीज का मतलब ही होता है कि ये एक पॉलिटिकल प्रोपगंडा होती है। थिएटर का मतलब ही है पॉलिटिकल प्रोपगंडा। और उसको अगर आज आज के समय में आप देखेंगे तो आज के समय के अकॉर्डिंगली जो लोग जो हैं वो यूट्यूब पे सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, वो भी पॉलिटिकल प्रोपगंडा ही कर रहे हैं। ठीक है, जिसने भी देखी है वो थोड़ी देर में जुड़ जाए। सबसे पहले सुनिए कि मूवीज को लेकर एक नॉन मार्क्सिस्ट, एक नॉन एक्टर क्या कह रहा है। थिएटर यूनिट आत्माराम भेंडे विद द आईएनटी भालबा केलकर विद द पीडीए दीज एल्डर्स लेड द फाउंडेशंस फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट इन द अर्बन थिएटर इन गुजराती मराठी इंग्लिश एंड हिंदी इन दिस रीजन मोर देन अ डेकेड आफ्टर इंडिपेंडेंस अ स्ट्रॉन्ग लेफ्टिस्ट मूवमेंट स्वेप्ट ओवर बंगाल एंड केरला. Theater became a powerful instrument of influencing mass opinion all over the country. बहुत इम्पोर्टेंट है ये आवाज, आपको पहचान में आ गई होगी। ये नसीरुद्दीन की आवाज है और नसीरुद्दीन शाह जो है ये बता रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद ही मार्क्सिस्ट मूवमेंट जो है उसने सर उठा लिया था, स्पेसिफिकली केरला में और बंगाल में। और अगर आप आज देखेंगे तो ये केरला की इकोनॉमी भी, ये 2-3 महीने से इस पे बात चल रही है, केरला की इकोनॉमी भी जो है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी है, बंगाल की भी, और इसमें आप पंजाब को भी ऐड कर लीजिए। पंजाब में प्रॉपरली वो नहीं है, कम्युनिज्म नहीं है या कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन जो सो कॉल्ड सोशलिज्म जो है वो बहुत पीक पे है। इसके बाद आप सुनिए क्या कहते हैं वो, कि बंगाल और केरला के थिएटर्स में जो लेफ्टिस्ट मूवमेंट है वो अपस्प्रिंग हो गया उसके बाद। Wherever there was political motivation for it. What the theatre means to me, for the last 40 years, it has meant. मैं पहले फेस दिखा दूं ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैं जो हूं मैं अपनी तरफ से कह रही हूँ। ये फेस देख लीजिए जिसको भी देखना है। तो ये जो मैसेज है ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये श्री उत्पल दत्त जी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि व्हाट थिएटर मींस टू मी, इट इज वेपन ऑफ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। तो इससे पहले कि मुझे आके ज्ञान दे कोई सावरकर मूवी रिव्यू करने के लिए, जाके अपने ही मार्क्सिस्ट गुरुओं को सुन लो। You will never get a job in Europe.
इसको थोड़ा सा ना ये वीडियो डाउनलोड नहीं हो सकते, तो आपको ये बियर करना पड़ेगा क्योंकि इसमें सॉन्ग्स वगैरह भी है। ओके, अब इसको ऊपर करती हूँ और फिर चलाती हूँ। बड़े ध्यान से सुनिएगा। What the theatre means to me, for the last 40 years, it has meant a weapon of political propaganda to me. And I've used it like that. However, we have to keep in mind that in order to be effective political propaganda, it has to be popular. यानी कि ये यहाँ पे कह रहे हैं कि जो थिएटर मेरे लिए है, उत्पल दत्त जी कह रहे हैं, मेरे लिए जो थिएटर है वो एक पॉलिटिकल प्रोपगंडा है और इसका कोई मकसद नहीं है, इसका सिर्फ ये मकसद है कि पॉलिटिकल प्रोपगंडा जो है वो मासेस तक पहुंचना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक रेनाउंड मार्क्सिस्ट बंगाली एक्टर और बॉलीवुड में भी बहुत बड़ा नाम है इनका, उत्पल दत्त जी कह रहे हैं कि 40 साल में मेरी लाइफ में, जब ये वीडियो शूट हो रही है, वो कह रहे हैं कि मेरी लाइफ में 40 साल में मेरे लिए थिएटर क्या है। थिएटर का मतलब सिर्फ थिएटर नहीं है यहाँ पे, थिएटर का मतलब आप मूवीज लगा लीजिए, आज के समय में सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी आप इसमें ऐड कर लीजिए। ये कह रहे हैं कि इनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, पॉलिटिकल प्रोपगंडा। It has to reach as many people as possible, especially in a country like ours where most people can't read or write. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात इन्होंने कही कि इसका मकसद ये है कि ये मासेस तक पहुंचे और स्पेसिफिकली इंडिया में जहां पे ज्यादातर लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। इसी का रीजन है कि सो कॉल्ड रेवोल्यूशनरी मिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने भारत की प्राइमरी एजुकेशन में इन्वेस्ट ही नहीं किया। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, जाके रिपोर्ट्स पढ़ लेना। जवाहरलाल नेहरू, जिनको बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लगते हैं, स्पेसिफिकली आजकल पाकिस्तानी बैकग्राउंड से कुछ लोग हैं, उनको जवाहरलाल नेहरू से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया है क्योंकि उनको जिन्ना को जो है वो गलत लाइट में शो करना है, तो वो, और अगेन मैं कोई जिन्ना की फैन नहीं हूँ, मैं आपको ये बता रही हूँ कि पाकिस्तानी सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट जो है उनको क्योंकि जिन्ना को गलत लाइट में शो करना है, तो आजकल जवाहरलाल नेहरू के लिए उनका बहुत प्यार उमड़ रहा है। तो ये भारत की प्राइमरी एजुकेशन में इन्वेस्ट जानबूझकर नहीं किया गया है, इसी का नतीजा है कि आज भारत की प्राइमरी एजुकेशन 60% जो है वो पूरी की पूरी मिशनरीज कंट्रोल करती हैं। People who matter, that is. And theatre is can easily may build a bridge between us and them. They cannot read, but they can always watch a play, and they can hear the dialogue. So theatre has to be popular. And this dangerous tendency all over the world, a trend has come up, intellectualizing the theatre. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये स्पेसिफिकली सो कॉल्ड राठी के लिए, कि उत्पल दत्त जी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो आजकल टेंडेंसी बन गई है थिएटर को इंटेलेक्चुअलाइज करने की, जो मेरा इस मैंने हेडिंग भी डाला है इस वीडियो का जो मैं कर रही हूँ, कि इंटेलेक्चुअलाइजिंग थिएटर को करना है एक्चुअली लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेंजरस है, इसीलिए ये हेट करते हैं ऐसी मूवीज से, एनिमल जैसी मूवी से। क्यों क्यों बोलते हैं ये कि एनिमल जैसी मूवी जो है वो इंटेलेक्चुअलाइज नहीं है, ये क्यों हेट करते हैं? एक यूट्यूबर है मोहक मंगल, मोहक मंगल ने एल्विश यादव के फैंस के लिए एक पूरी की पूरी वीडियो बना दी थी कि किस तरह से जो यंग पॉपुलेशन है वो एल्विश, अगेन एल्विश यादव की मैं कोई फैन नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको समझाने की बात कर रही हूँ कि इंटेलेक्चुअलाइजिंग करना ना एक्चुअली डेंजरस है फ्रॉम लेफ्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो आज नॉन लेफ्ट को ये जिस बात के लिए ये ब्लेम करते हैं ना, ये एक्चुअली इनका मोटिव है कि इंटेलेक्चुअलाइजिंग होनी ही नहीं चाहिए थिएटर की, वो सिर्फ और सिर्फ प्रोपगंडा के लिए होती है। And it has invaded our country too, and I think it's a bloody waste of time because all you
ये सीधा सीधा कह रहे हैं कि थिएटर को अगर इंटेलेक्चुअलाइजिंग करनी है ना तो ये ब्लडी वेस्ट ऑफ टाइम है. क्यों? क्योंकि इनको यूजफुल इडियट्स चाहिए, इनको इंटेलेक्चुअल नहीं चाहिए लोग. इसीलिए मैं जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स कुछ लोग हैं, और ये लेफ्टिस्ट, बेसिकली लेफ्टिस्ट का यही मेन फोकस होता है कि इनको इंटेलिजेंट मासेस नहीं चाहिए, इनको ऐसी मासेस नहीं चाहिए कि वो अपने बारे में सोचें. ये क्लेम करते हैं कि ओपननेस को और इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये एक्चुअली चाहते नहीं है. ये एक्चुअली चाहते यही है कि ध्रुव राठी के जो फैन फॉलोइंग है वो उसको सुने, रवीश कुमार की जो फैन फॉलोइंग है वो केवल रवीश कुमार के शब्दों को ही सत्य माने. Do is to drive more and more people out of the theatre and theatre. ये सिंपल कह रहे हैं कि अगर हम इन यहाँ पे लाइनें बड़े ध्यान से सुनिए, ये कह रहे हैं कि अगर हम इंटेलेक्चुअलाइजिंग करेंगे तो लोग जो हैं वो थिएटर से दूर चले जाएंगे. लोगों को थिएटर से दूर नहीं रखना, उनको बांध के रखना है, उनको बेवकूफ बना के रखना है. Isolation from the masses is a contradiction in terms. It means nothing. Salon! तो यहाँ पे जो है एक प्ले है, मैं उसको प्ले नहीं करूंगी क्योंकि उसमें कुछ कुछ ना सॉन्ग्स भी हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं स्किप कर रही हूँ. बस 1-2 मिनट की और वीडियो है, उसके बाद मैं हटा दूंगी उसको. ये मैं एक और बात बता दूँ, ये जो पार्ट खेला गया है यहाँ पे, ये तीतू मीर नाम से उत्पल दत्त जी का प्ले है, थिएटर प्ले है, जिसको कि मैं एक्चुअली जिसके ऊपर खुद भी रिसर्च कर रही हूँ. मैं इस प्ले को देखने की कोशिश कर रही हूँ, मुझे मिला तो नहीं ऑनलाइन, मैं देखती हूँ अगर आर्काइव में मुझे मिलता है उत्पल दत्त जी का ये शो प्ले तो मैं उसको देखूँ. पर जितना मैंने अभी तक रिसर्च किया है, ये एक वही नैरेटिव ही है, जैसे टीपू सुल्तान को जो है वो वाइट वॉश करने की कोशिश की जाती है, वैसे ही तीतू मीर को बंगाल में व्हाइट वॉश करने की कोशिश की जाए. जो बंगाल से लोग हैं वो समझ जाएंगे तीतू मीर में किसकी बात कर रही हूँ. और मजे की बात ये है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, नॉन लेफ्ट की सबसे बड़ी कमजोरी, मैं जब तीतू मीर के बारे में रिसर्च कर रही हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रेज वाले लेफ्टिस्ट आर्टिकल ही मिल रहे हैं. मुझे नॉन लेफ्ट की एक्चुअली कोई कंटेंट नहीं मिला, थोड़े बहुत मुझे ट्विटर से कुछ पॉइंट्स मिले हैं, कुछ लोगों ने जो है वो ट्वीट्स किए हैं थोड़े बहुत इस व्यक्ति को लेकर, वहां से मुझे पता चला, वरना मुझे कुछ भी नॉन लेफ्ट से जो तीतू मीर के बारे में कुछ भी नहीं पता चला. सिराजुद्दौला अलग है, सिराजुद्दौला के बारे में ऑलरेडी मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल चुकी हूँ. उसके बारे में पॉजिटिव चीज ये है कि नॉन लेफ्ट ने लिखा हुआ है, सिराजुद्दौला के बारे में इनफ नॉन लेफ्ट ने लिखा है, लेकिन तीतू मीर के बारे में मुझे कुछ भी नहीं मिला. अगर किसी के पास है स्पेसिफिकली जो बंगाल से जिनका बैकग्राउंड है तो प्लीज मुझे कंफर्म करिएगा. मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही हूँ उस व्यक्ति का हमारी साइड से. अब मुझे आरसी मजूमदार जी की, जो मेरे चैनल पे भी आता ऋषि, उसने मुझे सजेस्ट किया कि आरसी मजूमदार जी की किताब में तीतू मीर के बारे में काफी डिटेल में लिखा हुआ है, तो मैं वहां से पढ़कर कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में इसके बारे में डालूं. तो तीतू मीर के बारे में ये प्ले इन्होंने बीच में डाला, और जब मैं इस प्ले के बारे में सर्च कर रही हूँ तो इस प्ले में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे हर जगह पे पढ़ने को मिल रही है जो लेफ्ट साइड से लिखा हुआ है, कि तीतू मीर का ये जो उत्पल दत्त जी का प्ले था ये एक्चुअली एंटी हिंदू राइट विंग है. हिंदू राइट विंग जो है उसके एंटी है. अब मैंने प्ले तो देखा नहीं है, प्ले की समरी वगैरह मैंने पढ़ी है पर उससे तो इतना आइडिया नहीं होता है, लेकिन स्टिल अब वीडियो पे आ जाते हैं वापस. थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा. हेलो एवरीवन, माय नेम इज नमन शर्मा एंड आई हैव बीन टी ये फिर से आ गया, थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आप लोगों को.
मैं एक्चुअली वो लाइन जो है वो ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। ओके, मैं ना ढूंढ रही हूँ वो एक लाइन जो कि नसीरुद्दीन शाह ने बोली है इस प्ले के बारे में, कि ये प्ले जो है इसमें इन्होंने, उत्पल दत्त ने बहुत सफाई से मार्क्सिस्ट एजेंडा जो है वो डाल दिया है इस पूरी वीडियो पे। मैं वैसे ये जो थिएटर वाली वीडियो है इस पे भी मैं चाहती हूँ कि मैं इस पे अलग से वीडियो बनाऊँ, अगर क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इंटरेस्टिंग है। सजेस्टिंग यू अ पेज दे आर रिसर्चिंग हिस्ट्री द गॉडिया, इफ पॉसिबल कनेक्ट देम, दे आर डूइंग ग्रेट। ओके आई विल ट्राई गॉडिया। ओके, तो यहाँ पे जो है ये तीतो मीर के बारे में, बेसिकली नसीरुद्दीन की पीछे से आवाज़ आती है कि इस प्ले में उत्पल दत्त ने बड़ी ही सफाई से मार्क्सिस्ट एजेंडा जो है वो मासेस तक पहुँचा दिया। और इस वीडियो के नीचे जब मैं देख रही हूँ ना, इस वीडियो का एक छोटा क्लिप भी है, उत्पल दत्त जी का बहुत छोटा क्लिप भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसमें जिसमें ये कह रहे हैं कि मूवीज का मतलब ही होता है पॉलिटिकल प्रोपगंडा। उस वीडियो के, और मैं किसी बंगाली के अगेंस्ट ही बोल रही हूँ बस, लेकिन उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में देख रही हूँ जितने बंगाली नेम है ना, सारे कह रहे हैं एग्जैक्टली सर, यू आर राइट, यू आर राइट। और लोग इस व्यक्ति को, उत्पल दत्त जी की बात को काउंटर करने के बजाय ये लिख रहे हैं कि उत्पल दत्त जी की इंग्लिश कितनी अच्छी है, ब्रिटिशर्स से भी अच्छी है, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर वो बहुत ज्यादा प्रेज कर रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में। मतलब उस बजाय कि उनको आर्गुमेंट के ऊपर बात करनी चाहिए। तो इस तरह के ब्रेन वॉश जोम भी होते हैं लेफ्टिस्ट। You have to master the essentials of the theatre, the aesthetics, and ensure that the weapon in your hand is a very sharp one, that it cuts very well. So that the theatre has to be, in order to be effective propaganda, it has to be good theatre as well. It does not mean that you just get onto a platform and scream and shout, as Mao said. ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि नॉन लेफ्ट जो है बहुत लैग करता है, कि आपका जो नैरेटिव होना चाहिए प्रोपगंडा को, एक तरह से नैरेटिव अब बता वर्ड यूज कर रही हूँ मैं, जो आपका नैरेटिव हो प्रोपगंडा नहीं है, हमारी तरफ से जो बात कर रहे हैं हम तो सिर्फ फैक्ट्स के पे बात कर रहे हैं, कि उसमें बहुत ही ब्रिलियंटली काम होना चाहिए, उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। और बहुत अच्छी बात है कि ये जो सावरकर मूवी है इसमें एक्चुअली बहुत ब्रिलियंट काम किया है रणदीप हुड्डा ने। यस एग्जैक्टली, जिस तरह से मोपलारॉइड्स के बारे में मैं सुन रही हूँ, मैंने एग्जैक्टली तो नहीं रिसर्च किया तीतू मीर के बारे में, लेकिन एग्जैक्टली वही कि जो हिंदू जिम्मेदार हैं वो उनके अगेंस्ट थे, ये वो ऐसा बकवास मुझे दिख रही है। मतलब मैंने देखा तो नहीं है प्ले, लेकिन जो मैं समरी वगैरह पढ़ रही हूँ या आर्टिकल्स पढ़ रही हूँ उसमें यही लिखा गया है। Tung said it, that is a poster and slogan style which only defeats the purpose of propaganda. The National School of Drama in New तो यहाँ से ये वीडियो को मैं हटा देती हूँ और हम चलते हैं जी अपने एक्चुअल उसके ऊपर, डिस्कशन के ऊपर, जो कि है मूवी रिव्यू। ये मैंने पहले ही आपको ये वीडियो इसलिए दिखाया स्पेसिफिकली उत्पल दत्त का, क्योंकि ये जरूरी था उन लोगों के लिए जो आके मेरे कमेंट सेक्शन में आके प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा प्रोपोगंडा, मतलब उनको कुछ कुछ नहीं पता है, उनको बस लेफ्टिस्ट ने एक वर्ड सिखा दिया उसको लेकर ही वो आकर सर खाने लग जाते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आ जाते हैं सावरकर मूवी पे। अगर किसी को जुड़ना है, मेरी छोटी सी ही रिव्यू है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली हूँ, आप लोग खुद जाइए खुद से मूवी को देखिए। अगर कोई जुड़कर अपना रिव्यू देना चाहता है इस मूवी का तो वो जुड़ सकता है, सिर्फ मूवी रिव्यू के कंटेक्स्ट में जुड़ने की अगर आपको इच्छा है तभी जुड़िए, अगर और कोई अलग थलग इधर उधर की बात करनी है तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आ जाते हैं जी इस पे।
रिव्यू पे। सबसे पहले तो ये जब मैंने ये मूवी देखी, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत बहुत ऐसा रहा कि मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैंने किताब पढ़ रही, जैसे मैं एक बुक पढ़ रही हूँ या मैं थिएटर देख रही हूँ। बहुत ही ब्रिलियंट, बहुत ही ब्रिलियंट काम किया है। मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे विक्रम संपत की किताब को मैं दोबारा पढ़ रही हूँ, ये और संजीव सान्याल की रेवोल्यूशनरी किताब जो है उसकी जो कुछ चीजें जो है वो मुझे लगा कि मैं रीकैप ले रही हूँ। बहुत ही ब्रिलियंटली बनाई गई मूवी है, ब्रिलियंट। मतलब बुक रीडिंग जैसा एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि कुछ लोगों को पसंद ना आए, ऑब्वियसली जो लोग हंसी मतलब जो अजीब अजीब सी मूवी देखने वाले लोग हैं, हो सकता है उनको ना पसंद आए, अपनी अपनी चॉइस होती है। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा कि जैसे कोई बुक रीड हो कर रही हूँ मैं, या मैं कहीं थिएटर में देख रही हूँ। बहुत ही ब्रिलियंट काम किया। दूसरा कि इस मूवी में बिल्कुल भी इस चीज पे एम्फसाइज नहीं किया गया कि जो मतलब ब्रिटिश सर्वेंट थे वो उसको वाइट, मतलब ये शब्द ही नहीं यूज किए गए। ये इसमें कहीं नहीं आपको दिखेगा कि जो मूवी है वो ये वाइट वॉश करने की कोशिश कर रही है कि सावरकर जी जो है वो ब्रेव थे या वो कोवार्ड थे या इस चीज में वो पढ़ ही नहीं ली है। मूवी सिर्फ और सिर्फ प्योर फैक्ट्स रखे हैं इस मूवी ने, जो कि बहुत अच्छी बात है, एक्चुअली बहुत अच्छी बात है। और पहले पॉइंट में दोबारा आती हूँ, अगर मतलब मैंने इंडियन मूवीज के हिस्ट्री में, मैं बहुत कम मूवीज देखती हूँ, आई डोंट थिंक कि मैंने ऐसी मूवी देखी है। ये मूवी आने वाले टाइम में ना, मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि ये जिस तरह से कश्मीर फाइल्स थी ना कि उसका एक अलग इम्पैक्ट है, ये मूवी भी जो है ये अलग तरीके से है। मतलब इसने आई थिंक इस मूवी से बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे आगे जाकर, मूवीज बनाने वाले लोग। और एक्चुअली हमारे जैसे जो बुक्स में बहुत इंटरेस्टेड लोग हैं, उन लोगों के लिए ऐसी मूवीज जो हैं वो बहुत मतलब मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया मूवी रही है। और इस मूवी में सिर्फ फैक्ट्स रखे गए हैं, कोई इसमें मतलब ये नहीं बताया गया कि ऐसा उनके अगेंस्ट किया गया या ऐसा नहीं किया गया, सिर्फ प्योर फैक्ट्स रख दिए गए। उसके बाद जो ऑडियंस है उनका डिसीजन है कि वो क्या डिसीजन लेना चाहती है। मतलब कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि बार बार जो है वो एक चीज को दोहराया जा रहा है ताकि लोगों के दिमाग में प्योर फैक्ट्स। और अगर आप वीर सावरकर जी की बुक पढ़ते हैं, विक्रम संपत की बुक को अगर आप पढ़ेंगे और इस मूवी को देखेंगे, तो जब किताब पढ़ते वक्त आपके दिमाग में जैसा कैरेक्टर खड़ा हो, मतलब जैसा कैरेक्टर आपके दिमाग में बनता है ना, जब मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया, जब आप बुक पढ़ते हो तो आपके दिमाग में ना एक पोर्ट्रेल बन जाता है या आपके दिमाग में एक आइडिया या एक मूवी चलती है, आपकी इमेजिनेशन में ना एक मूवी चलती है जब आप बुक रीड कर रहे होते हैं। तो जब आप विक्रम संपत की किताब या रेवोल्यूशनरी संजीव सान्याल जी की किताब और बहुत सारी हिस्ट्री से रिलेटेड, नेशनलिस्ट हिस्ट्री से रिलेटेड किताबें पढ़ते हो, उसमें जो आपकी इमेजिनेशन में सावरकर जी का कैरेक्टर बनता है, ये हूबहू ऐसा लगता है कि जैसे हमारी इमेजिनेशन से निकल कर वो व्यक्ति जो है वो मूवी में चला गया, ऐसा एक्सपीरियंस होगा आपको। अब जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी है उनका एक्सपीरियंस तो मैं कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैं उनमें से हूँ ही नहीं। मैं तो उनका एक्सपीरियंस बता सकती हूँ ना जो बुक रीड करते हैं, क्योंकि किताब पढ़ते वक्त आपकी इमेजिनेशन में वो कैरेक्टर्स बनते जाते हैं। और इस मूवी में ऐसा लगा कि जनरली वो ही कैरेक्टर जो है वो आपके सामने आ गया है। बहुत नुआंस्ड नैरेटिव जो है वो इसमें दिखाया गया। नॉन वायलेंस को लेकर भी थोड़ी बहुत डिस्कशन है और वायलेंस को ऑपोजिशन जो की जा रही थी दूसरी तरफ से, उसको लेकर भी कुछ मतलब डिटेल दी गई है इस मूवी में। मतलब वो जब आप मूवी देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो नॉन वायलेंस का सो कॉल्ड नैरेटिव चलाया जाता है वो एक्चुअली कितना हाइपोथेटिकल और कितना बेकार नैरेटिव था, जिसने एक्चुअली कुछ फायदा तो नहीं किया, उल्टा नुकसान ही किया।
कास और वर्ण व्यवस्था पे बहुत सीरियस मतलब डिस्कशन हुई है इस मूवी में. मतलब एक्चुअली बहुत कम हुई है लेकिन बहुत सीरियसली उस चीज को दिखाया गया, उसको पोर्ट्रे किया गया कि सावरकर जी के व्यूज क्या थे. और इसमें जब कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हो भी रही थी ना सोसाइटी में, उसको भी जब दिखाया गया ना, तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एज अ हिंदू आपको कोई इंसल्ट किया जा रहा है या आपको एज अ हिंदू जो है आपको मॉक किया जा रहा है. इसमें ऐसा लगेगा कि नहीं, ये उस समय की सोसाइटी के इविल्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन हो रही है. मतलब आपको इस मूवी में ऐसा कहीं नहीं लगेगा. जब ये कहीं कहीं पे बहुत शॉर्ट में है कास्ट और सिस्टम और वर्ण व्यवस्था वर्ण जो भी है इसकी जब डिस्कशन हो रही है या इसके ऊपर जो सावरकर जी के व्यूज है वो दिखाए जा रहे हैं, तो आपको कहीं भी नहीं लगता है कि वो हिंदूज को अटैक किया जा रहा है या वो हिंदुज्म को अटैक किया जा रहा है. नहीं, आपको एक्चुअली लगता है कि नहीं, ये जेन्युइन डिस्कशन हो रही है. मतलब वहां पे मॉकिंग वाली फीलिंग नहीं आती है जो कि अक्सर और इंटरकास्ट मैरिजेस की बारे में सावरकर जी बहुत अच्छा बोलते हैं कि अंतर जातीय विवाह करने शुरू कर दो, चार जनरेशन में लोग सब भूल जाएंगे कि कौन किसकी जाति क्या है और सब हिंदू हो जाएंगे. बहुत मतलब ब्रिलियंट. और उसके ऑपोजिशन में गांधी क्या कहते हैं वो सबको पता है. गांधी कहते हैं कि नहीं, जो वर्ण व्यवस्था है वो तो हमारा आधार है, उसको हम नहीं छेड़ सकते हैं. मतलब थोड़े से इसमें साफ साफ दिखा कि जो गांधी हैं वो थोड़े कास्टिस्ट हैं और वो थे भी. ये मैं नहीं कह रही हूँ, उनकी अपनी राइटिंग्स में है. यस, बहुत ब्रिलियंटली शो किया गया. ऐसा नहीं लगा, मतलब एक मिनट के लिए भी आपको ना ऐसा फील नहीं हुआ कि मतलब मॉक किया जा रहा है, मतलब हिंदू ऐसा हिंदू हमें मॉक किया जा रहा है. नहीं, बहुत ही ब्रिलियंटली दिखाया गया. और इसके बाद जो है वो गांधी और सावरकर के डायलॉग इसमें आते हैं और मतलब वो जो आपस में इनकी डायलॉग है ना, वो अगर आप देखेंगे तो आपको एक्चुअली समझ में आएगा. वो मतलब बहुत ब्रिलियंटली बनाए जिसने भी ये गांधी और नेहरू के जो डायलॉग्स लिखे हैं, आई थिंक इन्होंने ही लिखे हैं, क्या ऐसे कहते हैं, दंदीप हुड्डा ने ही लिखा है आई थिंक, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन बहुत ब्रिलियंटली लिखे गए हैं. बहुत सिंपल, ऐसा नहीं है कि कोई मतलब सावरकर जी जो है वो कोई बहुत बड़े कोई इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं या कोई बहुत डैशी बात कर रहे हैं. नहीं, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं और सिंपल लैंग्वेज में बात करते हुए बहुत इफेक्टिव वे से आपको लगती है, वो बहुत जोर से लगती है. मतलब और इसका क्रेडिट जो है रणदीप हुड्डा को जाना चाहिए. इतनी सिंपल डायलॉग्स होने के बावजूद उस व्यक्ति ने जिस तरह से उसको पोर्ट्रे किया, जिस तरह से उसकी डिलीवरी की है, बहुत ब्रिलियंट. और गांधी का कैरेक्टर करने वाला भी जो एक्टर है, मुझे नहीं नाम पता, उसको भी कूडोज. उसने भी गांधी जी की जो एक वो सिनिस्टिकल जो कैरेक्टर है उसको पोर्ट्रे करने का बहुत ब्रिलियंट काम किया. मतलब उसमें ऐसा नहीं लग रहा, इस मूवी में आपको कहीं भी नहीं लगेगा कि गांधी को कहीं भी बुरा दिखाया जा रहा है. लेकिन यहाँ आपको वो जो एक हिपोक्रेसी है ना वो दिख जाएगी. बुरा किसी को भी नहीं दिखाया गया इस मूवी में, लेकिन आपको हिपोक्रेसी दिख जाएगी. कैरेक्टर्स को जब आप देखेंगे ना तो आपको उसके चेहरे के पीछे क्या चेहरा है वो दिख जाएगा. और इसके बाद जो है लास्ट में मैं जो शॉर्ट मोनोलॉग आए बीच में वो भी बहुत अच्छे थे. स्पेसिफिकली एक जगह जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी, जिसमें गांधी जी विजयदशमी के दिन होता है, गांधी आकर जो है वो बयान देते हैं कि आज जो है हम रावण को जला रहे थे, जो राम राज्य आया था वो उपवास से आया था, वो भक्ति से आया था, वो ऐसे आया था, फलाना ढिमकाना ऐसा बोलते हैं. उसके बाद सावरकर जी जो है वो बोलने आते हैं और सावरकर जी सीधा सीधा बोलते हैं
कि राम राज्य कोई उपवास से नहीं आया, राम राज्य कोई ये सब चीजें करके नहीं आया, राम राज्य आया था सारे राक्षसों का वध करने के बाद, राम राज्य आया था रावण का वध करने के बाद। मतलब बहुत सिंपल लैंग्वेज है ये, अगर आप एक्चुअली समझें तो जो गांधी ने कहा और जो सावरकर जी ने कहा वो बहुत सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन उससे आपका आपके दिमाग में ये जो ऊपर भी मैंने समझाया गया ना कि जो नॉन वायलेंस को लेकर एक नैरेटिव बनाया जाता है, वो नैरेटिव कैसे टूटता है सिर्फ ये एक सीन में, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और सबसे बड़ी बात थी कि वहां पे जो यंगस्टर्स आए हुए थे वो बहुत हूटिंग कर रहे थे, जब सावरकर जी बोल रहे थे वो बहुत हूट कर रहे थे। मतलब ऐसा नहीं है कि सावरकर जी ने कोई इंसल्ट की है गांधी जी की मूवी में, नहीं, मतलब ऐसा नहीं दिखाया गया कि सावरकर जी उनकी इंसल्ट कर रहे, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात कह रहे हैं, अपना नैरेटिव सामने रख रहे हैं, और गांधी का भी नैरेटिव रखा गया, ऐसा नहीं है कि गांधी का नैरेटिव नहीं रखा गया है। और बहुत सारे फॉरगॉटन हीरोज, मैं जनरली स्पीकिंग कह रही हूँ, इस मूवी के बाद आई थिंक जिन्होंने किताबें नहीं पढ़ी है ना उनको भी खुदीराम बोस, मदनलाल ढींगरा, इन लोगों के बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। मतलब उनके ना क्रियोसिटी जागेंगी, ये मूवी इस ऐसा काम करेगी कि जो लोग इस मूवी को देखने जाएंगे वो एक्चुअली उनके दिमाग में क्रियोसिटी आएगी कि खुदीराम बोस कौन था, कौन थे ये मदनलाल ढींगरा, कौन थे ये श्याम जी, ये उसकी इंडिया हाउस की स्टोरी क्या है, अभिनव भारत की स्टोरी क्या है, ये सारी चीजें जो है ना ये आपको दिखेंगी। और इसमें बहुत जो कि मैं इसमें ऐड नहीं कर पाई इसमें, और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट जिहाद को लेकर डिस्कशन की गई है, हिंदू क्या है इसको लेकर मोनोलॉग है, बहुत ब्रिलियंटली जो है वो डिस्कस किया गया है इसमें। मतलब एक्चुअली अगर किसी ने हिंदुत्व किताब नहीं पढ़ी है, या सो कॉल्ड जो अपने आप को हिंदुत्व बोलते हैं ना, लेकिन उन्होंने ना हिंदुत्व किताब पढ़ी है, ना सावरकर जी की लाइफ को पढ़ा है, ना उनके व्यूज को पढ़ा है, तो सिंपल करो, ये मूवी दिखा दो उस व्यक्ति को। मैं कहती हूँ कि आप 3-4 किताबें पढ़कर जो आपके अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी ना सावरकर जी को लेकर, ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, आई थिंक ये एक मूवी अगर कोई व्यक्ति देख लेगा तो उसको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि सावरकर जी के क्या व्यूज थे और सावरकर जी की लाइफ कैसी थी। मतलब इस मूवी में फिर भी मतलब एक क्रिटिक तो है कि ऑब्वियसली सावरकर जी की लाइफ इतनी ज्यादा ऊपर नीचे गई, इतनी ज्यादा बड़ी है, और इतना ज्यादा कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। मतलब एज अ पोएट जैसे उनकी जो कविताएं हैं उनको जगह नहीं मिली इस मूवी में। ऑब्वियसली 3 घंटे की मूवी में आप कितना कुछ ऐड कर सकते हो, मैं इसको अंडरस्टैंड करती हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा क्योंकि मैं जब बाद में जो रणबीर रणदीप हुड्डा के जो जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर वो दे रहे हैं अपने इंटरव्यू, उनको सुन रही थी तो मुझे समझ पता चला कि एक्टिंग भी रणदीप हुड्डा ने की है, डायरेक्शन भी रणदीप हुड्डा ने की है, जिसके लिए मैं उनको 100% मार्क्स देती हूँ। डायरेक्शन में भी मैं उनको 100 मार्क्स और एक्टिंग में भी 100 मार्क्स, राइटिंग में मुझे राइटिंग भी रणदीप हुड्डा ने ही की है ऐसा मुझे समझ में आया जितना भी मैंने देखा है, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। मुझे लगता है कि रणदीप हुड्डा जी को राइटिंग में थोड़ा सा हेल्प ले लेना चाहिए था, थोड़ी कुछ कुछ जगह पे जो है मुझे राइटिंग जो है वो थोड़ी वीक लगी, लेकिन जो भी लिखा गया था उसको डिपिक्ट करने में 100% वो कैपेबल रहे हैं। एक और बात मैं कहना चाहूंगी यहाँ पे कि बहुत सारे लोग जो है वो स्पेसिफिकली मतलब जो हिंदुत्व साइड के लोग हैं जिन्होंने एक्चुअली हिंदुत्व को पढ़ा है, जिन्होंने सावरकर जी को पढ़ा है, जिनको एक्चुअली पता है कि उनके व्यूज क्या थे हिंदुत्व के, तो मैं उनको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा सोचिए इस मूवी के जो जो ढीला पढ़ने के, और मैंने बहुत सारे रिव्यूज
रिव्यूज देखे, उसमें कई लोग कह रहे हैं कि क्योंकि आईपीएल, पुलकित त्यागी ने ये बोला कि क्योंकि आईपीएल भी है इस समय, इसलिए इस मूवी को देखने बहुत सारे लोग नहीं जा रहे हैं। कुछ लोगों ने जो कुछ इलेक्शन टाइम जो है, मुझे भी पर्सनली लगा कि इलेक्शन टाइम जो है वो उन्होंने गलत कर लिया, इनको नवंबर दिसंबर में ही ये मूवी रिलीज कर देनी चाहिए थी, इलेक्शन से थोड़ा पहले। खैर उसके लिए हम, मैं उनको क्या ही बोल सकता है, उनकी अपनी चॉइस थी, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि इलेक्शन से अगर पहले ही उनको रिलीज करनी थी तो थोड़ा पहले करना चाहिए था उनको। ये टाइम जो है इस समय बीजेपी पे भी मैं उतना ब्लेम नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारे लोग ट्विटर पे बीजेपी को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि मैं उनको ब्लेम कर सकती हूँ। पीयूष गोयल जी जो है वो इस मूवी को लेकर, मूवी के लिए बहुत सारे लोगों को लेकर उन्होंने पूरा थिएटर बुक किया और वहाँ पे काम किया। और उसके अलावा जो इसका मराठी वर्जन है, मैं बता दूं मराठी वर्जन इस मूवी का बहुत महाराष्ट्र में जो है वो बहुत ऊपर जा रहा है, ऐसा जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रही हूँ उससे। इनकम तो इसने काफ़ी जनरेट कर लिया, जितने इस मूवी में पैसे लगाए गए थे वो सारे के सारे रिकवर हो चुके हैं। अब ये मूवी जो है वो सिर्फ प्रॉफिट ही कमा रही है। तो और मुझे पर्सनली आईपीएल और इलेक्शन जो है वो क्लैश करके हो सकता है, इसलिए थोड़ा वो कर रही है ये मूवी। अदरवाइज आई थिंक ब्रिलियंट काम है, ब्रिलियंट, मुझे बहुत पसंद है। मुझे ऐसा लगा कि जैसे बुक रीडिंग होती है ना, वैसा एक्सपीरियंस है। उसके बाद कमेंट सेक्शन में अगर कोई है तो मैं ले लेती हूँ, अगर कोई जुड़कर अपना रिव्यू देना चाहता है तो वो भी दे सकता है, अदरवाइज मैं कमेंट लेने के बाद ये स्ट्रीम बंद कर दूंगी। ओके, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। मलयालम से भरी पड़ी है। हेलो, अरे सब जगह है भाई, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ नॉन लेफ्ट जो है वो सोशोलॉजी, ये सोशल साइंसेस की तरफ जाते ही नहीं है। बंगाली फिल्में तो गत में चली गई परंतु मलयालम का अभी भी गहरे प्रभाव है। ओके, इतना नहीं मुझे पता भाई मूवीज के बारे में, मैं जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं मैं उनके फेस वैल्यू पे ले रही हूँ, मुझे मूवीज के बारे में इतना नॉलेज नहीं है। सुधारने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है, आई थिंक करेंगे वो। मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लाने में ना थोड़ा टाइम लगता है। हाँ ऐसा ही कुछ है जितना मैंने समरी पढ़ी है। कम्युनिस्ट हैव रिप्रेजेंटेटिव गोपाल चंद्र मुखर्जी या गुंडा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एज वन हु पार्टीशन आई थिंक पार्टीशन लिखना चाहते हैं, पार्टीशन बंगाल। गुड़िया सेना इज वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग आर धार्मिक हिस्ट्री ऑफ बंगाल, दे आर रियली, मैं ट्राई करूंगी ढूंढने की उनकी अगर मुझे मिली। मैं इससे ही नहीं बिना कुछ पढ़े ही सारांश बता सकता हूँ। दिखाया ये एग्जैक्टली बहुत ब्रिलियंट वे से। As always, credible job by Ranveer sir. The intercaste marriage thing is very bogus, me personally, or maybe because I am a threat. हो सकता है, लेकिन आई थिंक इंटरकास्ट मैरिज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। प्लीज जाके पढ़ो, बहुत सारी कम्युनिटीज, हिंदू कम्युनिटीज के अंदर जो है वो बहुत सारी अजीब अजीब सी जो बीमारियां हैं वो हर जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही हैं। जाके पढ़ो, आगे आने वाले टाइम में हिंदू चाहे या ना चाहे उनको इंटरकास्ट मैरिज करनी ही पड़ेगी, क्योंकि वो कई सारी ऐसी कम्युनिटीज हैं जिनके अंदर
इतनी अजीब अजीब सी बीमारियां जो है वो जनरेशन टू जनरेशन पार हो, ये स्पेसिफिकली डायबिटीज भारत में क्यों सबसे ज्यादा पास ऑन होती है, ये इसी का रीजन है, क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज नहीं करते, क्योंकि ये मेडिकल सब्जेक्ट है तो मैं इसलिए बता रही हूँ, मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं किसी की पर्सनल चॉइस के बारे में कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि सबको पता मैं इंडिविजुअलिस्टिक हूँ, लेकिन 10-15 साल के बाद आपके पास ऑप्शन बचेगी नहीं, क्योंकि आपको आपकी फैमिली के अंदर लोग इतनी बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे कि आपको करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं, आपके पास जब यानी कि मैं अपने आप को भी इंक्लूड, हमारे पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं। कुछ नहीं होता, सब हो जाता है। ठीक है, इट्स ओके, लेकिन मैंने पढ़ा है सावरकर जी को, आ सकती नहीं है, आ रही हैं बहुत सारी कम्युनिटीज में, इसीलिए मैं इस पर बोलती नहीं हूँ, क्योंकि आगे आने वाला टाइम में अपने आप ही ऑप्शन ही नहीं बचेगी, तो बोलने की क्या जरूरत है। इसीलिए आपने ज्यादातर देखा होगा मैं इस पर ज्यादा कमेंट ही नहीं करती हूँ, एक तो क्योंकि मैं इंडिविजुअलिस्टिक हूँ, दूसरा क्योंकि मुझे पता है आने वाले टाइम में हिंदूज के पास कोई ऑप्शन बचेगी नहीं, इंटरकास्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी फॉर हेल्थ इश्यूज, हेल्थ रीजंस की वजह से उनको करनी ही पड़ेगी, बैठर हो पकड़ के देखो मैं तो बड़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति हूँ, प्रैक्टिकली मुझे पता है कि आने वाले 10-15 सालों में कोई ऑप्शन बचेगी नहीं, करनी ही पड़ेगी, ज्यादा से ज्यादा 25 साल टाल लोगे, उससे ज्यादा नहीं टाल सकते। एज इट कनेक्टेड सरकार, इस नहीं इसलिए कनेक्टेड नहीं है, उस तरह से कनेक्टेड नहीं है, खुदीराम बोस वाला इस तरह से कनेक्टेड है कि सावरकर जी ने बॉम्ब बनाने का जो बॉम्ब बनाने की जो वो होता है बॉम्ब बनाने का तरीका, वो उनको मिल गया था, वो उन्होंने भारत में स्मगल किया, भारत में जब स्मगल हुआ तो वो पूरे भारत में फैल गया कि बॉम्ब किस तरह से बनाने हैं, और फिर उस तरीके को यूज करके ही खुदीराम बोस जी ने जो है वो ये बॉम्ब बनाया था। और एक और बात, कनेक्टेड इसलिए आप लोगों को लगता है फारफेस्ट, क्योंकि जो अभिनव भारत था ना वो एक्चुअली वो हर गांव में हर डिस्ट्रिक्ट में अभिनव भारत के 5-5, 6-6 लोग थे, जो कि दूसरे गांव में कौन है अभिनव भारत का व्यक्ति वो उनको नहीं पता होता था, वो सिर्फ उन जो मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड थे ना, जो सिर्फ खबरी काम करते थे, जो अभिनव भारत के कुछ खबरी भी थे, उसके ऊपर मैंने जितना पढ़ा है मैं उसके हिसाब से आपको बता रही हूँ, वो जो खबरी होते थे वो एक इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कर देते थे। प्लीज जाके रेवोल्यूशनरी बुक पढ़िए संजीव सान्याल जी की, आपको जो डॉट्स है वो कनेक्ट होंगे, डायरेक्टली वो सावरकर से नहीं जुड़े हैं, वो इसलिए जुड़े हैं क्योंकि सावरकर जी ने ही बॉम्ब बनाने का जो तरीका है वो किसी से मतलब लिया था, उसके बाद जब वो बॉम्ब बनाने का तरीका सावरकर जी को मिला तो उन्होंने वो जो प्रोसेस है वो भारत में भेजा, भारत में जब भेजा तो भारत में बहुत जगह पे मतलब बॉम्ब बनाकर अटैक किए गए ब्रिटिशर्स पर, और उसमें से एक अटैक जो है खुदीराम बोस का था, इस तरह से। Obviously, दक्षा स्मृति इज कोटेड बाय ओके, मैं इसमें नहीं जाऊंगी। Great book and also reading critical review of it by a very controversial guy who actually favors Sarkar the most. किसी के भी होते हैं disagreement से मुझे कोई issue नहीं है, मेरे खुद के सावरकर जी के साथ कुछ issues पे disagreement है।
यूट्यूब पर 90s की वीसा वर्कर भी है जिसे शायद आरएसएस ने फंड किया था, वो भी बेहतरीन थी। मैंने नहीं देखी है, मैं ढूंढ के देखती हूँ। अरे कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इतना नहीं पता भाई, मैं जिस स्टेट से आती हूँ हमारे यहाँ पे होती है, सिखों के अंदर नहीं होती है इंटरकास्ट मैरिजेस, लेकिन हिंदूज के साथ वो करते हैं, हमारे यहाँ पे बड़े आराम से होती है। इतना नहीं पता। फिल्म डोंट मच सपोर्ट फ्रॉम हिंदू देमसेल्फ, क्योंकि मैं इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि सो कॉल्ड जो अपने आप को हिंदुत्वा बोलते हैं ना, वो एक्चुअली क्लोज्ड हिंदुत्वा है नहीं। ये मैं जो हमेशा बोलती हूँ ना, वो जो प्रेटो प्रिंसिपल है उसका इफेक्ट होता है। बहुत सारे लोगों ने ना सावरकर जी का नाम सुन लिया, हिंदुत्व का नाम सुन लिया, बीजेपी क्योंकि इन चीजों के बारे में बोल दिया, तो वो वहां से शब्द उठा लिए और अपने साथ जोड़ लिए। उनको एक्चुअली नहीं पता कि हिंदुत्व का मतलब क्या है, उनको एक्चुअली नहीं पता वीर सावरकर जी की क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है। वीर सावरकर जी ने ही हिंदुत्व को इलेबोरेट किया, उससे पहले भी ये शब्द जो है ये कॉइन हुआ था। अभी रिसेंटली ऋषि ने ही मुझे आई थिंक एक और व्यक्ति है थानोस, क्या अजीब सा नाम है, मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे पीडीएफ दिया, वो मैं ब्रिलियंट, वो भी ब्रिलियंट नॉवल है, मैं उसको पढ़ रही हूँ। मतलब थोड़ा सा पढ़ा है, अभी पूरा नहीं पढ़ा है, मैं उसको पढ़ रही हूँ, जिसमें हिंदुत्वा वर्ड जो है वो कॉइन किया गया था सबसे पहले। उस ट्रांसलेशन को मैं पढ़ रही हूँ, बहुत बढ़िया है। जितनी मैंने पढ़ी है, मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरी पैरेलल में 3,000 किताबें चल रही होती है। कोई ना कोई कुछ बुक जो है मुझे सजेस्ट कर देता है, फिर आर्टिकल्स भी पढ़ने होते हैं, तो इतना नहीं पढ़ पाती हूँ। तो ये जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, ये मैं अक्सर लोगों को बोलती हूँ, इससे आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ अपने आप को सो कॉल्ड हिंदुत्व वर्ड को जोड़ लिया अपने साथ, वीर सावरकर जी को जोड़ लिया अपने साथ, उनको एक्चुअली में कुछ नहीं पता है कि वीर सावरकर जी के थॉट्स क्या थे, उनको एक्चुअली में नहीं पता है कि हिंदुत्व का मतलब क्या है। इस पे जो है मैं करने वाली हूँ, एमिनेंट हिस्टोरियन जो है वो अरुण शौर्य जी की किताब, उसको मैं बात कर, एक पहले भाई एक व्यक्ति आया था बैक स्टेज पे, क्योंकि उससे बिल्कुल स्टार्टिंग में वो व्यक्ति अगर जुड़ना चाहता तो जुड़ सकता है। मैं उस समय मैसेज नहीं दे पाई, इससे पहले कि मैं प्राइवेट चैट में मैसेज देती हूँ वो चला गया व्यक्ति। तो जिसको जुड़ना है वो जुड़ सकते हैं, मैं दोबारा से लिंक दे देती हूँ अपना रिव्यू। अगर उन्होंने किताब ये पढ़ी है तो जुड़कर अपना रिव्यू दे सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ने हिंदुत्व के बारे में बोला है, इलाबोरेट चंद्रनाथ बासु ने किया है था सबसे पहले, बट इंग्लिश पे ट्रांसले नहीं हो हुआ हुआ है, वो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ है उसकी, अभी मुझे रिसेंटली किसी ने पीडीएफ दी है, श्री अरबिंदो ने उसकी ट्रांसलेशन किया, उसी को मैं पढ़ रही हूँ। मतलब नॉवल में की है उन्होंने हिंदुत्व की बात, पर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैंने पढ़ा नहीं है पूरा तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। अभी तो मैं नॉवल स्टार्टिंग ही है, 4-5 पेजेस ही हुए। तो जिसको जुड़ना है मैं 5-10 मिनट वेट कर रही हूँ, जुड़ सकता है, अदरवाइज जो है मैं वो चली जाऊंगी। अब लास्ट में जो है मैं थोड़ा सा एक क्लिप जो है वो शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही किया था, क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग में क्या बात की गई है। तो मैं देखती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। क्योंकि ये बहुत जरूरी है शेयर करना,
क्योंकि इसी से ही मैंने शुरू की थी इस वीडियो की। पीछे कर दो इसको, क्योंकि लोग जो है फिर मुझे स्ट्राइक आ जाती है, और तो कुछ नहीं है। तो ये उत्पल दत्त जी है जो मैंने स्टार्टिंग में शुरू किया था, उसी से ही मैं खत्म करूंगी और फिर मैं वीडियो को ही समाप्त करती हूँ। कोई नहीं जुड़ना चाहता, ठीक है, मेरा भी टाइम बचाएगा। तो ये उत्पल दत्त जी है, इनका एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो कि नॉन लेफ्ट को अक्यूज कर रहे हैं प्रोपेगेंडा के बारे में, ठीक है। ये छोटी वीडियो है जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर की थी, वो काफी बड़ी वीडियो थी। What the theater means to me for the last 40 years, it has meant a weapon of political propaganda. तो उत्पल दत्त जी कह रहे हैं कि थिएटर का मतलब मेरे लिए जो है वो पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। लास्ट 40 सालों से, 40 सालों से मैं जो भी कर रहा हूँ थिएटर में, थिएटर मतलब मूवीज, थिएटर, नुक्कड़ नाटक, आज के टाइम में सोशल मीडिया, तो इसका मतलब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा ही है, ठीक है। Propaganda to me. And I've used it like that. However, we have to keep in mind that in order to be effective political propaganda, it has to be popular. तो अगर आपको political propaganda का एक ही एकमात्र ये होता है रूल कि उसको पॉपुलर होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए। It has to reach as many people as possible, especially in a country like ours where most people can't read or write. People who matter, that is. And theater is can easily build a bridge between us and them. बहुत ध्यान से सुनिए, थिएटर कैन बिल्ड ब्रिज बिटवीन अस एंड देम, यानी कि यहाँ पे जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है वो अस एंड देम में बिलीव करती है। अस कौन? लेफ्ट एलीट, और देम कौन? यूजफुल इडियट्स। They cannot read, but they can always watch a play, and they can hear the dialogue. So theater has to be popular. And this dangerous tendency all over the world, a trend has come up, intellectualizing the theater, and it has invaded our country too. And I think it's a bloody waste of time, because all you do is to drive more and more people out of the theater. And theater. यहाँ पे ये क्लियरली कह रहे हैं कि इंटेलेक्चुअलाइजिंग अगर आप करेंगे थिएटर की तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है, जो ये लेफ्ट को बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअलाइजिंग करो, इंटेलेक्चुअलाइजिंग करो, तो थिएटर का मतलब ही नहीं होता इंटेलेक्चुअलाइज करना, जो कि एक्चुअली लेफ्ट का मानना है। मेरा मानना नहीं है, मेरे वर्ड मतलब मान लेना कि मैं कहती हूँ कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन जो है वो नहीं होना चाहिए। मेरा पूरा मानना है कि इंटेलेक्चुअलाइजेशन होना चाहिए, और जिसमें मैं जब मैं इंटेलेक्चुअलाइजेशन कह रही हूँ तो मैं एक्चुअली कहती हूँ कि जो जो लेफ्ट साइड के लोग हैं उनकी भी बात सुनो, मैं एक्चुअली कहती हूँ। तो इसके बारे में आप जो है वो बड़े ध्यान से सुना कीजिए उत्पल दत्त जी ने क्या कहा है। इसीलिए मैं जितने भी लोग मेरे चैनल पे आते हैं ना, मैं उनको अक्सर कहती हूँ, इवन दो के मैं लेफ्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन लेफ्टिस्ट को पढ़ो, लेफ्टिस्ट को सुनो, क्योंकि उनका जब पुराना कंटेंट आप देखोगे, सुनोगे, पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा ये कितना ब्रेन वॉश करते हैं लोगों को, ये किस तरह से मैनिपुलेट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल अब रीसेंट एग्जांपल देखना चाहते हो? मुख्तार अंसारी पे क्या क्या बोल रहे हैं उसको, मसीहा। पूरा का पूरा लेफ्ट जो है वो उसको मसीहा बनाने पे तुला हुआ है। अब आप ये सिर्फ 2 मिनट के लिए हाइपोथेटिकली सोचो कि आप पुराने टाइम में होते, कांग्रेस के टाइम में होते, तो यही लेफ्ट ने पूरी तरह से ये नैरेटिव बना देना था कि मुख्तार अंसारी तो एक मसीहा है जिसके ऊपर 60 से ज्यादा केसेस दर्ज है, और ये उसको मसीहा डिक्लेयर कर रहे हैं, ये उसके लिए रो रहे हैं, ये उसके लिए पीट रहे हैं। मैं शेयर कर दूंगी, मैं कोशिश करूंगी अपने कम्युनिटी पोस्ट में शेयर करने की, ठीक है। तो ये जो है ये आप सब लोगों के लिए, और ये जो सो कॉल्ड आजकल चल रहे हैं ना, ये स्पेसिफिकली अपने कैसे कहते हैं केजरीवाल जी, इनकी आखिरी एक वीडियो है, उसको शेयर करने के बाद मैं स्क्रीन को खत्म करती हूँ।
ओके, तो ये वीडियो करके मैं सीधा वीडियो को खत्म करूंगी। ये है आपके लेफ्टिस्ट, और ये जो है आपकी ये सो कॉल्ड गोदी मीडिया दूसरे लोगों को बोलते हैं, ये खुद क्या करते हैं उसको देख लीजिए। ये एक प्रोग्राम चल रहा था, प्रोग्राम खत्म हो गया, उसकी रिकॉर्डिंग खत्म हो गई, बाद का एक क्लिप बाय चांस जो है वो रिकॉर्ड हो गया और जो के बाहर निकल गया। देखिए ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। ये जो है ये सबसे बड़ा, ये जो प्रसून जोशी है ना, ये आई थिंक प्रसून जोशी ही है अगर मैं गलत नहीं बोल रही हूँ तो, ये भारत का सबसे बड़ा अनबायस्ड लेफ्टिस्ट एंकर है, और जो इंटरव्यू दे रहा है वो भारत का सबसे बड़ा ईमानदार, कट्टर ईमानदार व्यक्ति है। सुनो ये क्या कह रहे हैं। हाँ, ये वो वाला थोड़ा थ्योरेटिकल है, कॉर्पोरेट वाले जो बोल रहे थे ना। अच्छा, काफी थ्योरेटिकल, इसलिए उसमें मैं नहीं जुड़ा। अच्छा, तो वो एक तो उसमें ये जितना मिडिल क्लास है वो एंट्री हो जाएगा कि इंसाइडाइजेशन के खिलाफ है, कंपनियों के खिलाफ, वो मैं इसलिए मैं उसमें नहीं आ रहा। ओके, उस डिबेट में मैं पढ़ नहीं रहा था जान मुझे बाकी। और ये जो हाशिए पर जो 80% समाज है इसमें बोलेंगे, इसमें इसमें अब आ जाइए ना, उसको वो बैंक तो वही है ना सर, देश भर में हाशिए पे जो समाज है और वोट बैंक, वोट बैंक वर्ड बोल रहा है ये। बिल्कुल, और ये बोलना भूल गया मैं, बोलना वो ये बोलना उसमें वो सब अगर हम उनके लिए कर रहे हैं। ये नहीं कहना चाहता कि ये सारे प्राइवेट वाले कर रहे हैं, और कोई भी सरकार आ जाए प्राइवेट से कमीशन ले रहा है, हम पूरे प्राइवेट सेक्टर को नकार देंगे। वो मिडिल क्लास बहुत क्रांतिकारी, दोबारा से सुनो, बहुत क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी, ये सारे बहुत ही क्रांतिकारी हो उसी पे ज्यादा चला दीजिएगा। नहीं वो चलेगा, अरे हम तो भगत सिंह वाला हिस्सा जो है सही का साला बड़ा रिएक्शन आ रहा है, बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। भगत सिंह वाला हिस्सा जो है वो उसको बढ़ा चढ़ा के करेंगे। भगत सिंह को ये इस तरह से यूज करते हैं, ये उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना पिछली वीडियो में, सैयद मुजम्मिल द ग्रेट इंटेलेक्ट ऑफ पाकिस्तान, वो भी भगत सिंह को यूज कर रहा था नेहरू जी को रेवोल्यूशनरी दिखाने के लिए, और यहाँ पे अरविंद केजरीवाल यूज कर रहा है। और मैं बताऊं, भगत सिंह को इंडियन लेफ्टिस्ट ने बहुत यूज किया है। बहुत रिएक्शन आएगा भगत सिंह वाले का। तो ये थी हमारी अनबायस न्यूट्रल नॉन गोदी मीडिया। इसी के साथ जो है आज की स्ट्रीम बंद करते हैं। मैं ये लिंक जो है वो डाल दूंगी, कोशिश करूंगी कि आज और कल में डाल दूं, और सबको सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए, और थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।